इज्जत कमाने में बहुत वक्त लगता है और वैसे तुम्हारी इज्जत नहीं करा सकता। सुरैया, वो लड़का जो घर से भागकर शादी करने का मशवरा दे वो चुप पुस्ते रहता है। सुरैया, मुझे अवैस कब से कॉल्स और मैसेजेस कर रहा है। आई थिंक तुम्हें एक बार बात कर लेनी चाहिए। मुझे नहीं करनी इससे कोई बात। मैंने बहुत सोचा इस बारे में। दाऊद भाई ठीक कह रहे थे, जो लड़का लड़की को घर से भागने का मशवरा दे कोई या तो धोखेबाज होता है या बुस्तिल। आप उसका नंबर ब्लॉक कर दें और दाऊद भाई से भी कह दें दादा जान से कोई बात ना करें। एक बार फिर सोच लो। इस भाभी, मुझे नहीं सोचना इस बारे में। और सांगबाजी। वालेकुम सलाम। कहाँ हो मियाँ? इधर ही हूँ। आपके पास? मेरे पास कहाँ हो? सुबह से तुम्हारा बाप भी नजर नहीं आ रहा और तुमने भी बूढ़े दादा से मिलना जरूरी नहीं सोचा। जी आप बूढ़े कहाँ हैं, अब्बा जी से ज़्यादा जवान हैं और मैं चाहता हूँ कि आप जवानों की तरह सोचना भी शुरू कर दें। क्या कहना चाह रहे हो तुम? दादाजी कल जो भी हुआ ना उसने मुझे हिला के रख दिया। सुरैया आप इतना बड़ा कदम उठाने वाले, मुझे ऐसा लगता है कि हमें उसकी शादी उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं करनी चाहिए। लाल जी, तो तुम चाहते हो कि सुरैया की शादी वहीं की जाए जहां वो चाहती है? जी दादाजी, सुरैया हामिद के साथ निकाह करने के लिए राजी नहीं है। दादाजी, सुरैया जो चाहती है वो मैं होने नहीं दूंगा। दादाजी सुरैया कुछ भी नहीं चाहती, वो सिर्फ हामिद से निकाह नहीं करना चाहती और आप पप्पू को मना कर दे। बस ये नहीं हो सकता, हम अपनी बात से पीछे कैसे हटे? ये हमारे खानदान की इज्जत और वकार का सवाल है। लेकिन दादाजी अपनी इज्जत और वकार के खातिर हम